न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान में ही मैच खेलने से मना कर दिया है। और फिर जब उनसे मैच कैंसिल करने के रीजंस पूछे गए, फिर उन्होंने बताया कि उनके सभी खिलाड़ियों के पास, यहाँ तक कि मार्टिन गुप्टिल की वाइफ के पास भी धमकी भरे मेल भेजे गए थे, जिनमें साफ साफ लिखा गया था कि यहाँ पर उनकी जान को खतरा है। एंड इसी कारण से सेफ्टी रीजंस को ध्यान रखते हुए न्यूजीलैंड की टीम वापस न्यूजीलैंड लौट गई है। एंड वैसे भी यार, अगर तुम पाकिस्तान में खेलने जा रहे हो तो खतरा तो डेफिनेटली है। Which he won 14 gold medal. और पाकिस्तान को झटका जब लगा जब इंग्लैंड ने भी अपने आगामी सभी मैचेस रद्द कर दिए हैं, जो कि आने वाले समय में पाकिस्तान में ही होने थे। और भाई करे भी क्यों ना यार, खेल खेल की जगह है और इंसान की जान की जगह। और फिर इस पूरे चोट भांगड़े के बाद पाकिस्तान ने सारा का सारा इल्जाम उठाकर भारत पर डाल दिया है। हाँ, तो फिर देख लो पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या कहा। और ये जो ईमेल आईडी है, ये हिंदुस्तान से VPN के जरिए की गई। सोशल मीडिया कोरिलेशन एक्सप्लोटेशन रिवील दैट पॉसिबल यूजर ऑफ दिस ईमेल आईडी इज एन इंडियन ओमकर प्रकाश मिश्रा। क्या ओमकर प्रकाश मिश्रा? तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी माँ की चुतसाड़। देखो हो सकता है, एक बार के लिए मैं मान भी लूं कि कोई बंदा ऐसा कर सकता है, लेकिन भोसड़ियों, जिस इंसान पर तुमने ये आरोप लगाया ना, नहीं तुम देखो एक बार। क्या सब कहता उड़ गई लखोसबा। हाँ तो हो गई तसल्ली। देख फवाद चौध, इंडिया पर इल्जाम लगाए वहां तक सही है, लेकिन भोसड़ी वालों, इस बार जिस बंदे पर तुमने आरोप लगाया ना, उस बंदे को अभी तक लिरिक्स बोलना नहीं आता। अंटी घंटी पार्ट टू के कुछ लिरिक मैं आपको सुनाऊंगा और आई होप कि आपको लिरिक्स सुन के बहुत मजा आएगा। लिरिक, और जिस इंसान को लिरिक्स बोलना नहीं आता है वो लिखेगा क्या? अब जरा तुम ही सोचो यार, मासूम भोसड़ किसी को एक प्रॉपर मेल इंग्लिश में कैसे लिख सकता है। चलो ठीक है, एक बार के लिए माना कि ओम प्रकाश मिश्रा ने किसी से मेल टाइप करके सेंड किया होगा, लेकिन हाँ तो तब हो गई जब पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने ओम प्रकाश मिश्रा को इंडिया का एक रो एजेंट घोषित कर दिया। बोलना पाकिस्तान आऊं क्या, शॉर्ट में लगाऊं क्या, चड्डी निकाल के। लो भोसड़ी को मुंह दिया ना ये मुंह में। जिस इंसान को अभी तक ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री राज्य का होता है पूरे देश का नहीं, उसे भोसड़ी वालों तुम एक रो एजेंट बता रहे हो। जिस देश का उप मुख्यमंत्री नवी पास होगा उस देश का विकास कैसे होगा? नहीं भेंचूत, किसी पर निशाना साधने से पहले थोड़ी रिसर्च तो कर लिया करो यार। पाकिस्तान पाकिस्तान। लो भोसड़ी वालों और बना लो इसे रो एजेंट। और एक सेकंड, ये पाकिस्तान का इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो वही है ना जो पहले पाकिस्तान का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर हुआ करता था। अब देखो मजाक से हटके लिटरली इस बंदे ने पाकिस्तान के लिए जो किया है, मतलब कि इन्होंने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान को जो प्रॉफिट निकाल कर दिया है ना, वो प्रॉफिट तो ये फवाद चौधरी बताएगा। 1,05,19,121 वाह भोसड़ चौध, द स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखो और मानता हूँ कि ये बंदा काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके टाइम पीरियड में पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी फील्ड में जो तरक्की की है ना, उसे देखकर शायद आपकी गांड भी जल सकती है। देखो जरा, ये जो बाइक है और ये जो चिमटी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक है, ये तेल से नहीं चलती हैं, बिजली से इनकी जो बैटरी है वो चार्ज होती है और बैटरी के ऊपर ये चलती है। ये जो प्रोजेक्ट्स है ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हाँ हाँ चूतियों, जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट तुम पाकिस्तान में लॉन्च करने वाले हो ना, उसे ई रिक्शा बोलते हैं। और इंडिया में ऐसे एक जमाना हो चुका है, और बहन जो पता नहीं एक रिक्शा बनाने के लिए इस चूती ने कितना पैसा फूक डाला होगा, बताओ जरा। 5,19,121 10,05,00,000। हाँ तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो या मत करो, लेकिन चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार।